हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो आज की वीडियो है, ये वीडियो आपको टाइटल और थंबनेल दे करके समझ में आ गई होगी कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैक के ऊपर, कि ऐसी कुछ वर्कआउट्स है जो शायद आप रेगुलर कर रहे हो बट आपकी बैक डेवलप नहीं हो पा रही है, आपकी चेस्ट बहुत सारी मसल आपकी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा। अभी जो मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा वो बताने वाला हूं बैक के ऊपर। सो इस बैक में किस तरह से मैं अभी वर्कआउट करने वाला हूं और आपको जिम में कैसे करके करना है, सो इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको आपकी जो बैक है उसको बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी, बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट में और एक चीज़ मैं टिप्स दूंगा, अगर आप बैक वर्कआउट या अभी आप कोई भी वर्कआउट के बाद करते हो तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाकामयाबी का डर नहीं है मुझे, क्योंकि कामयाब होने के लिए ना तो मैंने किसी का साथ मांगा और ना किसी के तलवे चाटे। सो अभी की जो हमारी वर्कआउट है वो है बारबल से करना है। जब भी आप जिम पे जाओ उस बारबल से करो। तो ये जो आज जो मैं बारबल करने वाला हूँ नॉर्मल वेट है, तो आपको लेना है उतना ही वेट जिससे आप 8-10 रेप्स इजीली निकाल पाओ। तो सबसे पहले आपको अपना 8-10 रेप्स जो आपका है उसको आपको नॉर्मली जितना वाइड पकड़ते हो थोड़ा सा शोल्डर से बाहर पकड़ना है। एंड आपको किस रेंज ऑफ मोशन पे करना है और कैसा आपका बॉडी का पोस्चर रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम लोग हल्का शोल्डर से बाहर पकड़ना है इसको यहाँ पे, ठीक है, आपका पोस्चर रहेगा ये। आपको मारनी है 8 रेप्स इसी पे। एंड अभी आती है हमारी मेन चीज, अभी आती है हमारी जो मेन सुपर सेट जिससे आपका बैक बिल्ड होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ कर रहे हैं, जैसे ही आप इसको मारो 8 रेप्स, उसके तुरंत बाद आपको आना है क्लोज ग्रिप। एंड आप मेरा पोस्चर देख लो कैसे करना है। आपको पकड़ना है अपना शोल्डर, जितना आपका बड़ा शोल्डर है उतना ही इसका एंगल रहेगा। इतना लंबा है तो आप कितनी लंबा आपका एंगल रहेगा। नॉर्मली आपको इस पोजीशन में पकड़ना है इसको। एंड आपका बैक थोड़ा इतना नीचे नहीं, हल्का ये पोजीशन पर रहेगा। और उतने ही वेट्स लेना जिससे आप हार्डली 8 रेप्स निकाल पाओ। सो ये 8 रेप्स हो गया। एंड इसके बाद आपको और 8 रेप्स कैसे निकालना है, सबसे पहले हमने किया वाइड, फिर आया हमने क्लोज, अपने पोस्चर देख लिया कैसे करना है। एंड अब जो हमारी थर्ड आती है वो कैसे किया जाता है आपको बता दो, वो है लैट्स के लिए। इसको नॉर्मली आपको पकड़ना है इतना ग्रिप पे, शोल्डर से थोड़ा सा बाहर। ऊपर लेके जाना है, स्क्वीज करना है, होल्ड करना है, होल्ड होल्ड होल्ड। सबसे पहले आप पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा, बैक में पोस्चर बहुत मैटर करती है। सो आपको इसमें लगाना है 8 रेप्स। सो 8, 8, 16 एंड 24, मतलब आपका एक सेट में 24 रेप्स आपका निकलने वाला है। एंड आपको 24 रेप्स निकालना है। सो एंड आप फिर फील करिएगा कि आपका जो बैक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पंप करेगा। एंड वो जो रिज़ल्ट देगी यार, एक नंबर रिज़ल्ट देगी आपका। अगर डाइट आपका, अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो आपकी बैक वैसी दिखने लायक बन जाएगी अगर आप इस वर्कआउट को करते हो। तो चाहे कोई भी वर्कआउट हो उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो एंड देखो कि आपकी बॉडी पे वो शूट कर रही है कि नहीं कर रही है। सो अभी जो सबसे लास्ट एंड आखिरी जो टिप्स है वो है कि कभी भी अगर आप बैक की ट्रेनिंग करते हो, चेस्ट, बाइसेप्स, कोई भी चीज़ हो, उसको पोजिंग करो 15-10 मिनट पोजिंग करो एंड स्क्वीज़ करो। जितना आप स्क्वीज़ करोगे, जितना आप उसको फील करोगे, उतना आपको वो अच्छा रिजल्ट देगी। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि पोजिंग करना क्यों ज़रूरी है, पोजिंग, हम तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल फिट रहना चाहते हैं, हम तो नॉर्मल बैक की ट्रेनिंग करके हमें पोजिंग नहीं करना है। सो पोजिंग अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप ये सुन लो कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ करो, तो उसमें पोजिंग की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोजिंग वो होती है जो भी आपने वर्कआउट किया आपकी मसल पे उसको और अच्छे से हिट करवाना, ताकि आप और अच्छा मसल मास बिल्ड कर पाओ। क्योंकि पोजिंग का एक सिंपल सा फंडा है,
जो मसल आपकी हिट नहीं हो पाती है वर्कआउट के दौरान, वो आपकी पोजिंग के दौरान कहीं ना कहीं हिट हो जाती है। समझ में आया? सिंपल सा फंडा है। तो ये सब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भाई कोई नहीं बताता। सो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझो चीज़ को कि गेम क्या ये है। ये गेम बहुत नॉलेज वाली गेम है, नॉलेज वाली गेम है। आज इसको भी लगता है ना कि कोई हर आदमी गधा जैसा मेहनत कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहा है, वो कुछ पाना चाहता है। सो आगे वाला कि हार्डवर्क को समझो एंड सपोर्ट करो एंड शेयर करो इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीक सागर को ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।